कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग तो क्या यार, गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे बिकॉज दोपहर के 2 बज चुके हैं। सामने आप देख सकते हो हमारा गुरुद्वारा है, तो आज का दिन भी बहुत अच्छे उससे नोट से स्टार्ट करेंगे। तो यार जो आज का ये व्लॉग होने वाला है वो भाई एक नई गाड़ी लेकर आया आप सबके लिए फिर दोबारा। तो बेसिकली आज की गाड़ी है BMW X1, ठीक है। डिटेल्स आपको वीडियो कॉल में चल जाएगी राणा भाई के थ्रू पता, राणा भाई भी मेरे साथ ही हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमने स्पेशल आप लोगों के लिए आधा एक घंटा निकाला बिकॉज आज संडे का दिन है और आपको पता है मेन जो सेल्स डे होता है हमारी लाइन के अंदर तो वो सैटरडे संडे का ही होता है। तो शुरू से क्या बता रहा हूँ, सुबह से क्लाइंटेज ऐसा है कि 10 बजे हम सारे ऑफिस पहुँच गए थे, तो 10 बजे से अब तक का ऐसा सीन है 2 क्लाइंट मेरे आ चुके हैं, 4-5 भाई के आ चुके हैं, मनीष भाई का भी आज सुबह से वो चल रहा है सिस्टम। तो व्लॉग को जल्दी शुरू करते हैं बिकॉज अभी हमें रश करना है बिकॉज मेरा खुद एक कभी क्लाइंट विद इन हाफ एन आवर में आने वाला है, तो ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे। ये आप चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी को, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। आपको एक बार गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ मैं। राणा भाई कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हमारा। तो यार ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ये देखिए कंडीशन गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा कोई आपको ताम झाम कराने की ज़रूरत नहीं है। फेवरेट कलर वाइट है। एक मिनट भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फालतू काम जाम क्या, कुछ भी कराने की लोड़ नहीं है। हाँ ओके, मिलूगी सारी गाड़ी। ताम झाम वाली गल लाइन तो बोलिया ना करो, ये ताम झाम मेरी गड्डी कराना पैगा फिर फायदा की काम करना है। कॉन्फिडेंस है तभी तो मैं राणा भाई का काम करता हूँ भाई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत नेक्स्ट लेवल है। भैया बूट्स पे से एक बार खोल देना इसकी। गाइस चेक दिस आउट, बहुत ही बढ़िया, ये आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। ये देखिए आइए, अब आपको इंजन दिखाता है गाड़ी का। राणा भाई इंजन खोल दो। आज हमने थोड़ी सी गाली खा ली आप लोगों के चक्कर में, होना चाहिए थोड़ा माहौल बढ़िया रहता है वीडियो का, क्यों और मैं खुद भी सीख रहा हूँ यार, मैं इस लाइन में नया हूँ अभी। तो मैं जब भी मेरे को कोई लाइफ में डाउट होता है, कुछ भी होता है डेली स्पीड में, तो एक तो मैं राणा भाई से बहुत कुछ सीखता हूँ। ये आप गाड़ी का इंजन चेकआउट करेगा, इस बहुत बेहतरीन से इंजन है। राणा भाई सिस्टम पूरा खतरनाक करके रखा हुआ है तुमने, तभी बोला किसी भी गाड़ी में कोई भी काम जाम तो करवाना ही है। हाँ सब ओके मिलेंगे भाई, मेरे से गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल, काम ही करवाना पड़ गया तो गाड़ी बेचने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मेरी गाड़ी में कोई एक रुपया भी लगाना पड़ गया तो मैं बैठा हूँ। बंदे ने गाड़ी अच्छे से चलानी है बस। अब यही चीज़ आई थिंक आज अच्छा भी हुआ, बट एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप राणा भाई के पास आ रहे हैं तो गाड़ी की कंडीशन आपको गच मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं गाड़ी पे, ज़रा सफ़र थोड़ा गाड़ी का आपको दिखा दें, टेस्ट ड्राइव गाड़ी का दिखा दें, लेट्स गो। क्या हाल है आप सबके? तो जी निकल चुके हैं अपनी सफ़र की तरफ और सफ़र बहुत बेहतरीन है, कम्फर्ट X1 का बहुत बेहतरीन है। अब बारी हमारे 3 क्वेश्चन की। तो पहले भैया थोड़ा सा जो व्यू है वो आप देख लीजिए, क्योंकि व्यूज़ गाड़ी से बहुत बेहतरीन आ रहा है। ये देख लीजिए सिस्टम हमारी BMW X1 का, और ये आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन। बाहर बहुत ही भयंकर सी धूप है और इस भयंकर सी धूप के लिए हमने कहा कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन आज मौसम ऐसा खिला से रहने वाला है। तो हम लेके चलते हैं आपको राणा भाई की तरफ, राणा भाई आप बताएंगे जो हमारे 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ओवर टू राणा भाई। राणा भाई हाँ जी सर, की हाल चाल सारे भाई? तो जी पहला क्वेश्चन राणा भाई, डिटेल जगह बता दो। ये 2013 मॉडल है। हाँ जी। अच्छा नंबर है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी। हाँ जी। और 95,000 चली हुई है गाड़ी। विद कंपनी रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड। चलो जी, और क्या चाहिए बंदे को। अब दूसरा अपना क्वेश्चन राणा भाई, लोन प्रोसेस कैसा रहेगा गाड़ी का? लोन प्रोसेस सिंपल अच्छा होना चाहिए। हाँ बंदे का सिंपल अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत है कुछ तो गारंटर अच्छा होना चाहिए बंदे का। लोन करवाई दूंगा। देखो यार लोन हो जाएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हमारी वीडियोस देख के, बट वही एक सीन है कि कभी सिबिल का ये इशू कभी वो इशू। प्लीज़ सिबिल का अपना इशू मत लेके आना, बिकॉज बहुत सारी पता क्या होता है, आप टोकन अमाउंट ले आते हैं पेमेंट करते हैं, फिर वो बंदे का हमारे ही मूड ख़राब होता है कि हम करना चाहते हैं आपके लिए, पर हम वो जो हम चीज़ करवा सकते हैं वो हम चीज़ नहीं करवा सकते। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो एक बात और है। हाँ हाँ, ग्रंटर अच्छा होना चाहिए, मतलब कि सिंबल वगैरह ग्रंटर का अच्छा होना चाहिए, ये ना हो कि उसका भी खराब हो। फिर मत आना। पहली बता दे। पहली बता दो। चलो जी तीसरा क्वेश्चन, किस रेट पे गाड़ी छोड़ने वाले? पहले डिमांड बता दो सर।
डिमांड है इसकी 1075 की, ठीक है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल। ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? मौके पे है भाई, जो बोलते ना मौके पे, पहली बार कम होगा यार, मैक्स 10-15,000-20,000 रेट टूटेगा गाड़ी का, कि गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप ज़्यादा कुछ सोच के मत आना, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ कि भाई ने जब वो ऐसे बोल रहे ना हाँ टेबल पे देखेंगे, तो ये समझ जाओ कि बहुत कम होने वाली है नेगोशिएशंस, ठीक है। अब मैं इनके साथ हूँ, मेरे को इनका पता है मैं को पहले ही जज कर लेता हूँ कि भैया क्या बोलने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपको एडवांस से बता दिया, ठीक है। तो अब ब्लॉक मेन डील तभी होती है जब बंदा टोकन मनी टेबल पे रखता है। हाँ, ऐसे वर्बली बातें करते रहे उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे बोलने वाले बहुत मिलते हैं दिन में बहुत बार हो गया मेरे, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, जब से चैनल शुरू करा बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ये नहीं रिस्पांस में अच्छा नहीं आ रहा, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। बस इशू वही है यार, बहुत आती है जनता कि भैया वीडियो देख कर आए हैं, जब टोकन निकालने की बारी आई फिर टोकन, चलो काफ़ी लोग तो टोकन भी निकाल देते हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक इशू रहता है, कभी उनका सिंबल का इशू है, कभी जो इशू है। तो पहली वीडियो में आपको पहली कर दूँ कि जो भी ये आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी, जो जो आपको समझ आया होगा, इसमें सिर्फ दो ही हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली, एक तो सिंबल आपका अच्छा होना चाहिए, सिंबल अच्छा नहीं है तो आपका गारंटर का जो सिंबल उसका अच्छा होना चाहिए पहला। सिंबल इतना भी नहीं कि ज़्यादा ही खराब हो, सिंबल थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए सिंबल। चलो यार व्लॉग आज भाई का जो मूड है वो बहुत ही अलग है, आज संडे का दिन है यार, सही बात है, संडे का दिन है, थके हम भी हुए क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, वो भी चलो अब जाके थोड़ा लंच टाइम हुआ तो हमने कहा चलो यार शूट वूट कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद फिर और टाइम नहीं, बिकॉज मेरे भी दो क्लाइंट आने वाले हैं भैया के, तो सुबह से माहौल मैंने खींचे रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता है, आई होप कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी सपोर्ट और ऐसे प्यार हमें देते रहिए और ऐसी नया नया कंटेंट हम आपको लेकर आते रहेंगे। सो लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।